अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने लगे हैं पैनकेक। और पैनकेक के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी वो मैं आपको सबसे पहले नोट करवा देती हूँ। सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक अंडा, जो मैंने ठंड के बाउल में डाल दिया है। इसके बाद हमें चाहिए होगी चीनी, जो कि ऑलमोस्ट 1/3 कप है। एक टेबल स्पून चाहिए होगा हमें बेकिंग पाउडर, चुटकी भर नमक, 2 टेबल स्पून ऑयल, 1/2 कप मिल्क और 1 कप मैंने लिया है यहाँ पर मैदा। और इसके साथ हमें चाहिए होगा वनीला एसेंस। चलें अब हम बनाना शुरू करते हैं इसकी रेसिपी में। सबसे पहले अंडा मैंने फेंट के इसमें डाल लिया था और इसके अंदर अब मैं डालने लगी हूँ चीनी। इसके बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें, ठीक है। ये हमारा अच्छी तरह से अंडा और चीनी मिक्स हो चुका है। इसके बाद 2 टेबल स्पून ऑयल और 1 टेबल स्पून वनीला एसेंस, ये आपने डाल के मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। ये हमारा मिक्सर तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें तकरीबन 1/2 कप दूध डाल रही हूँ। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इस चीज का आपको बहुत ख्याल रखना है कि इसमें चीनी मुकम्मल तौर पर घुल जाए रहे, इसी से हमारा टेस्ट बनेगा। अब मैंने जो 1 कप मैदा लिया था मैं वो डाल रही हूँ। और साथ में 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर और मैं आप इसको सारे मिक्सचर को मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह। ये हमारा मिक्सर तैयार है और एंड में आपने इसमें डालना है 1 चुटकी नमक और तब तक आपने इसको फेंटना है, मिक्स करना है जब तक कि एक स्मूथ मिक्सचर नहीं बन जाता। फिर मैं आपको इसकी फाइनल शेप दिखाती हूँ। दीजिए अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है इसको बनाने का। बनाने के लिए हमें जो है वो नॉनस्टिक एक फ्राई पैन चाहिए, जो मैंने रख लिया और तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मैंने इसे गर्म भी किया है। हमारा मिक्सचर बिल्कुल तैयार है, इसको अब हमने डालना है इसमें। करना है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए जब तक कि इसके अंदर बबल्स बनेंगे। अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। इसका मतलब यह है कि अब आप इसे पलट सकते हैं, ये नीचे से पक गया है। ये हमने पलट दिया है और ये देखें ये नीचे से लाइट गोल्डन ब्राउन की तरह से पक गया है। अब आपने मजीद इसको 1.5 से 2 मिनट के लिए पकने देना है और आपका एक पैनकेक बिल्कुल तैयार। पैनकेक बिल्कुल तैयार है और ये हम प्लेट में निकाल। आपने अब इसी तरह बाकी सारे पैनकेक भी बना लेने हैं। नाज़रीन हमारी ये पैनकेक तैयार हैं। आप इसको चाय के साथ खा सकते हैं, बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं। आप इसके ऊपर चॉकलेट क्रीम भी डाल सकते हैं और सिंपल क्रीम भी। टेस्ट कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा और सब्सक्राइब करके हमें कमेंट करके बताइएगा कैसे लगे।